चाहूँगी कि पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि खलील और रहमान की अपनी एक फैमिली है, अपना उनका अपना एक घर है, ठीक है। तो अगर वो लाइव टीवी में आके इस तरह से बोल सकते हैं एक औरत को जिसको वो जानते भी नहीं, और उसकी इतनी सी बात जो कि सिर्फ इंटरप्शन थी, अगर आप बुरा देखें तो सिर्फ इंटरप्शन थी, उन्होंने अपनी ट्रेंड्स आउट बोल दिया जो कि उनके पॉइंट पे गलत था, ठीक है। लेकिन खलील रहमान ने जिस तरह से उनके जिस्म के बारे में बात की, उनके खानदान के बारे में बात की, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की, इतनी चीज़ों पे अगर वो ये समझते हैं कि उनको उनके पास ये फ्रीडम है कि वो ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, तो यही वजह है कि हम मार्च करते हैं, यही वजह है कि हम ऐसे मर्दों को इस तरह के जितने पता नहीं कितने मर्द हैं जो अपने घरों में छुप के इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, वो तो फिर भी लाइव टीवी पे आके बोला, ये तो उनकी बहादुरी है। लेकिन जितने भी मर्द घर में अपनी औरतों के साथ इस तरह से सलूक करते हैं, जो भी इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से उनके किरदार पे बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम इस बारे में अवेयरनेस करना चाहेंगे कि किसी के पास भी हक नहीं कि वो किसी को भी इस तरह दिखा दे। बाद में एक अनकट वर्जन भी रिलीज़ हुई थी, जिसके अंदर और भी वो अपनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करे थे, और हमको यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब कि इस तरह भी कोई बोल भी सकते हैं इतने आराम से लाइव टीवी पे, जैसे कि कुछ भी नहीं है, जैसे कि उसकी अपनी माँ बहन कोई भी नहीं है, इतने आराम से बेहूदगी से बोलना। हमें यही लग गया कि वो भी एक स्लोगन पे जो लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, क्योंकि उसका असल मीनिंग पीछे से लोगों, हमारे पाकिस्तान में वैसी लिटरेसी रेट इतनी कम है कि आप एक्सपेक्टेड ही था कि लोग इस तरह क्या करेंगे, मगर लाइव टेलीविजन पे दैट इज नो एक्सक्यूज फॉर समवन टू स्पीक विद सच अ डर्टी ज़बान, इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अच्छा मुझे बताएं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसकी कुछ वजाहत दीजिए आप, मतलब वो जो वजाहत देते हैं वो क्या है और आप लोगों की आपकी क्या हो? तो मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे मर्जी मिली है तो मैं वही काम करूंगी जो कि इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। मर्जी हर चीज़ में हो सकती है, मसला सिर्फ ये है कि हमें चॉइस चाहिए, ठीक है। इस्लाम हमने फॉलो करना है, हमारे आमाल है हमारे और अल्लाह के बीच में, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर मुझे मर्जी मिल गई तो मैं बाहर नंगी फिरूंगी, मुझे मैं ये नहीं कह रही कि मैं हर वो काम करूंगी जो मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मेरे जिस्म से जितने भी मैटर्स रिलेट करते हैं, मैं किसी और को वो हक नहीं देती कि वो मेरे लिए डिसाइड करे, किसी और के पास हक नहीं कि वो ये डिसाइड करे मेरी शादी कहाँ होगी, किस एज पे होगी, कि मैं अपने जिस्म में किस तरह के कपड़े पहनूं, सारी चीज़ें मेरी मर्जी। अच्छा मैडम ये बताइए कि ये जो कई प्ले कार्ड्स बड़े मुतनाज़ा थे, मतलब समझते हैं राइट्स तो खवातीन के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे गुज़िश्ता साल कुछ ऐसे थे जो, हाँ जी मैं बोलती हूँ कि इस्लामिक स्टेट में थोड़े से एक्सट्रीम थे टू सम एक्सटेंट, मगर बाकी जो हमारे जो खलील रहमान का हुआ था जिसमें वो इस वाले स्लोगन को हुआ था जो उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया था, ये स्लोगन एक ऑपरेशन के लिए था कि आपके रेप सेक्शुअल असॉल्ट या आपके जो भी जिस तरह की स्लोगन निकली है जो है एक्चुअली स्टैंड फॉर सम रीजन, उसके ऊपर उन्होंने इतना बोला है और उसके पीछे एक मीनिंग को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। खलील रहमान को क्या मैसेज देंगी आप? प्लीज थोड़ी सी तमीज सीख ले, थोड़ी सी क्या